गोपालगंज में हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात बेखौफ अपराधियों ने कारपेंटर ठेकेदार को सरेआम गोली मार दी। गोली लगने से ठेकेदार की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद लोग आक्रोशित हो गए। वही हत्या की वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। वारदात थावे थाना क्षेत्र के पठान पट्टी गाँव के नाम चाई टोला की है। मृतक का नाम छोटे आलम है। वही पठान पट्टी के ही पश्चिम टोला गाँव का रहने वाला था। बताया जाता है कि 28 वर्षीय युवक छोटे आलम कुछ माह पहले तक सऊदी में रहता था। वहां से वह अपने गांव वापस लौट आया था। अपने गांव में रहकर ही वह कारपेंटर ठेकेदारी का काम करता था। जानकारी के मुताबिक कल शनिवार की देर रात करीब 10 बजे वह अपने घर पर था। इसी दौरान पठानपट्टी के एक युवक ने उसे फोन कर घर से बाहर बुलाया और फिर उसको नजदीक से गोली मार दी। गोली लगने से छोटे आलम की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की सूचना मिलते ही सदर SDPO सहित भारी संख्या में पुलिस के जवान सदर अस्पताल पहुंचे। गोपालगंज सदर SDPO प्रांजल ने बताया कि पठानपट्टी गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि परिजनों के बयान पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इस मामले में SIT का गठन किया गया है। बहरहाल गोपालगंज जिले में इसके पूर्व भी राजमिस्त्री की हत्या की गई थी। महज 2 दिन पहले ही शुक्रवार को अपराधियों ने कोर्ट परिसर में कुख्यात अपराधी विशाल सिंह और अन्य को गोली मारी थी। गोली मारने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसी दिन रात को पुलिस कस्टडी से ही अपराधी पर फायरिंग की गई थी। गोपालगंज में हाल ही के दिनों में लगातार आपराधिक घटनाओं का दौर शुरू हो गया है, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिहार न्यूज प्लस से हितेश वर्मा की रिपोर्ट।